नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैंड जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था, फ्रॉड डेटा एंट्री कंपनीज कहाँ इंडिया में लोकेटेड है, इसके बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो टॉपिक मैंने दिखाई दिया पहले कि आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम एक अच्छा सीवी या रिज्यूमे बना सकते हैं जो इतना प्रेजेंटेबल हो ताकि हम किसी भी जॉब वेबसाइट या जॉब पोर्टल में उसे सबमिट कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरा सीवी दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से सीवी बनाया था, उसका जो स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सीवी बनाया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा सीवी जो है वो 10 out of 10 है, क्योंकि एज लोग टाइम लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड और जो है वो और प्रोफेशनली सीवीज बनाते हैं और प्रेजेंटेबल लगता है वो। पर हाँ, इतना प्रेजेंटेबल है कि आप उसे जॉब वेबसाइट्स में दे सको और आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाए जॉब्स के लिए। हाँ, और एक बात बता देना चाहता हूँ कि सीवी का जो स्टाइल और फॉर्मेट होता है वो टाइम के बेसिस पे चेंज होते रहता है। मतलब कि अभी जो सीवी का स्टाइल या फॉर्मेट चल रहा है, 2 साल बाद शायद वो ना रहे। तो मेरा जो सीवी है वो प्रेजेंट टाइम फॉर्मेट पे ही है, तो आप उसे एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो और सीवी बना सकते हो। और साथ ही में इस वीडियो में आगे मैं आपको 2 ऐसे और स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्विकली सीवी बना ले सकते हो। तो दोस्तों, एक अच्छा सीवी या रेज्यूमे किस तरीके से बनता है उसके स्टेप्स समझाने के लिए मुझे अपना लैपटॉप का स्क्रीन आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए मेरे लैपटॉप में, और मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक अच्छा सीवी बनता है। तो दोस्तों, मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर दिया आपके साथ, तो चलिए मैं अपना सीवी दिखाता हूँ आपको। ये जो सीवी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में बना हुआ है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो मिडिल अलाइनमेंट है, सारा जो चीज़ है वो मिडिल से प्रेजेंट किया हुआ है। लेफ्ट राइट अलाइनमेंट का भी होता है। तो यहाँ पे सीवी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, सबसे पहले करिकुलम वाइटे, उसके बाद फोटो दिया हुआ है। फोटो आप ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हो, क्योंकि प्रिंट आउट करते वक्त आपको याद रखना है, मैंने कलर दिया इसीलिए, मगर प्रिंट आउट करते वक्त इसे ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है, और उसके बाद जेरोक्स कॉपीज निकालना है तो जेरोक्स कॉपीज ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलेंगी, इसीलिए आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी दे सकते हो या फिर कलर भी दे सकते हो, मगर प्रिंट करते वक्त आप ब्लैक एंड व्हाइट कीजिएगा ताकि आपका कॉस्टिंग कम गिरे। उसके नीचे जाते हैं तो पर्सनल डिटेल्स है, अपना चिट्ठा पिट्ठा जो है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन, ये सारे देना है। उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही देना है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन, आपका जो सर्टिफिकेशन आपने अगर कहीं से किया है, जैसे कि लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं, स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा या डिग्री लेते हैं, फिर एनसीसी करते हैं, तो ये सारे चीज़ें यहाँ बिठा सकते हैं आप। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के 2 फॉर्मेट होते हैं बिठाने के। ऊपर आप सबसे ऊपर आप जो लास्ट जॉब किए हुए होंगे उसे भी बिठा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपने पहले जॉब को पहले बिठा सकते हो, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, इस तरीके से भी बिठा सकते हो। उसके बाद यहाँ देना है लास्ट रन सैलरी, आपने जो लास्ट कंपनी में काम किया था वो आपको यहाँ देना है। ये इसीलिए देना है कि जब इंटरव्यू में आपका बात होते रहेगा तो नेगोशिएशन करने के लिए ईजी रहेगा, क्योंकि आपका लास्ट सैलरी कोटेड है यहाँ। फिर है स्किल्स लर्न, आपने क्या क्या स्किल्स आपके पास है तो वो आपको यहाँ देना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग किया है तो डिजिटल मार्केटिंग के दिए हुए हैं यहाँ। अदर एक्सपीरियंस में आपने कोई प्रोजेक्ट, अगर बाहर कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम किया है, या फिर पकड़ लीजिए आपका ब्लॉग भी है तो आप उसे भी दे सकते हो, आर्टिकल लिखते हो, कहीं पे आर्टिकल लिखा है वो भी दे सकते हो, तो कुछ इस तरीके का है। उसके नीचे आता है अदर स्किल, अदर स्किल्स में हॉबीज भी होता है, तो आपका क्या हॉबी है वही आप दे सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद लास्ट जो आता है, बहुत ही सिंपल सीवी है और बहुत प्रेजेंटेबल सीवी है, इसलिए आपको मैंने दिखाया ये। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, जो लास्ट है वहाँ पे ये कॉपीड लाइन है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड हियर इन अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और नीचे है डेट एंड सिग्नेचर। ये जो डेट एंड सिग्नेचर है वो आप इंटरव्यू करते वक्त जब आपको आपका सीवी मांगा जाएगा तब आप वहाँ डेट और सिग्नेचर बिठा के उन्हें दीजिएगा। अब बात है कि ये जो सीवी है वो बना के कैसे बनाया जाता है वो आपको दिखाऊंगा मैं। इसके लिए आप 2 प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। एक है आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप में तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑनलाइन भी चला सकते हो।
अब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन पे कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऑनलाइन पे ही मैंने किया था, सॉफ्टवेयर है नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना है, ये देखिए सबसे पहले जो लिंक आया है वही खोलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप, मेरा साइन इन आ रहा है, अगर आपने, आपका अकाउंट नहीं है तो आपके लिए साइन अप आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और आप अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। तो आपने साइन इन किया, आपसे पासवर्ड मांगे, ये देखिए आपसे अपना, आपका जो पासवर्ड है वो मांगा जाएगा। तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा इसमें, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है नहीं तो। तो कुछ इस तरीके का है, आपके पास यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कुछ है यहाँ पे। तो हमें जो है ये बेसिकली सीवी वर्ड में बनाना है, तो मैं आपको सीवी बना के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बना था मेरा सीवी। तो ये देखिए वर्ड खुल रहा है, वर्ड पे बनाना था। तो ये देखिए जैसे कि सॉफ्टवेयर में होता है उसी तरीके का है ये, और डॉक एक्स फॉर्मेट में ये सेव होता है, मगर जब आप ऑनलाइन सेव करते हो तब आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड एस पीडीएफ का भी। तो यहां हम डाउनलोड पीडीएफ के थ्रू भी कर सकेंगे, मगर अगर पकड़ लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर है और आप डॉट डॉक या डॉकएक्स के थ्रू ही आपके पास वो वर्ड फॉर्मेट आया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू इंटरनेट में आप डॉकएक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए डॉट डॉकएक्स को पीडीएफ पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एक पकड़ लीजिएगा, पकड़ लीजिए पहला लिंक मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपको जाना है, आपको ऑनलाइन टूल में जाना है, जाके यहाँ पे आपका जो वर्ड फाइल है उसे ड्रॉप कर देने से ही वो कन्वर्ट होके पीडीएफ हो जाएगा। तो ये है पहला स्टेप जिसमें हम, जिस तरीके से हम सीवी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू ऑनलाइन बना सकते हैं और फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। और वही आपको पीडीएफ करने से क्या होता है, आपका प्रिंट आउट करने में थोड़ा आसानी होता है, वर्ड पे भी रखेंगे तो चलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए अब वो दो स्टेप्स देख लेते हैं जिसके थ्रू हम क्विकली सीवी बना सकते हैं। तो दोस्तों झट से आपको दिखा देते हैं कि ऑनलाइन में कैसे आप सीवी बना सकते हो। आपको गूगल में जाना है, आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खोलना है, आपको गूगल में जाना है, यहाँ आपको लिखना है ऑनलाइन सीवी मेकर। सबसे पहले ये सेम चीज आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन है ये देखिए cvmkr.com, वही खोलना है, वो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है यहाँ पे, और मैंने एक डेमो बनाया है, तो वो जल्दी से आपको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके का दिखेगा आपका सीवी, इसीलिए मैंने किया है। तो आप जब ये खोलोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने डेमो बनाया है यहाँ पे, ये देखिए फुल नेम ABC XYZ इस तरीके का लिख कर रखा है। आपको अपना डिटेल्स देना है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आपके पास अगर वेबसाइट हो तो, एड्रेस आपका एड्रेस देना है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये देखिए एक एक्सपीरियंस मैंने दिया है, स्टार्ट डेट एंड डेट सब कुछ दे के। नीचे ऐड एंट्री का ऑप्शन आपके लिए आते रहेगा, आपके आपने अगर तीन चार आप जगह पे आपका एक्सपीरियंस है तो आप ऐड एंट्री करके देते रहना। तो उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन मैंने कंप्यूटर कोर्स के बारे में दिया है, तो यहाँ पे आपको वही देना है, NCC स्पोर्ट्स अगर उस चीज़ का हो, क्योंकि नीचे देखिए एजुकेशन का और एक टैब दिया हुआ है और एक ऑप्शन खुला हुआ है, तो यहाँ आपको देना है वही सर्टिफिकेशन का, जैसा कि हमने माइक ऑफिस में और जैसा हमने देखा था कि मेरे सीवी में मैंने बनाया था सर्टिफिकेशन का अलग। तो यहाँ पे एजुकेशन में आपको देना है, ये देखिए मैंने हाईएस्ट से लोएस्ट पे लिखा है, सेकंड बीकॉम लिखा, फिर हायर सेकेंडरी लिखा, फिर एड एंट्री करना है माध्यमिक या मैट्रिकुलेशन जिसे कहते हैं तो वो देना है। उसके बाद इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट में सिंगिंग एंड राइटिंग पोएम दे दिया है, और रेफरेंसेस कुछ देना नहीं है। अब देखना है कि क्विक प्रीव्यू ये कैसा दिखता है, ये देखिए क्विक प्रीव्यू सेव और डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो क्विक प्रीव्यू में मारे तो यहाँ पे क्या है कि हेडलाइन में आपको डायरेक्टली प्रीव्यू दिखा रहा है, और मगर ये जो चारों है वो प्रीमियम है। अब प्रीमियम है तो पैसा लगेगा, अगर नीचे वाले जो सब है एग्जीक्यूटिव एलिगेंट बोल्ड ये सारे फ्री है, तो इसमें क्लिक मारना है आपको, ओके मारना है, आपका प्रीव्यू दिख जाएगा। तो ये रहा आपका सीवी, कुछ इस तरीके का बनेगा। हाँ, अब देखिए इस सीवी में फोटो नहीं है, फोटो के लिए आपको अपग्रेड टू प्रीमियम करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन भी है, ये देखिए अपग्रेड टू प्रीमियम। तो अपग्रेड टू प्रीमियम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पैसा लगेगा। तो क्विक प्रीव्यू आपने देख लिया है, बस आपको डाउनलोड करना है, तो किस में करना है, एग्जीक्यूटिव में ही कर लीजिए,
पीडीएफ लिखिए, A4 साइज पेपर मारिए और ये डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए डाउनलोड हुआ जो वर्शन है वो पीडीएफ में ही हुआ है और कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो कुछ सिर्फ फोटो नहीं है, फोटो के लिए अपग्रेड टू प्रीमियम का ऑप्शन था, तो कुछ इस तरीके का बनता है। ऑनलाइन में सीवी अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके का, डिजाइन में उतना सॉलिड नहीं है, डिजाइन में अच्छे तरीके से करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करना ही बेहतर। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है वो मोबाइल ऐप के थ्रू है और मैंने उसे ऑलरेडी, ये जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको बस ऐप स्टोर में जाना है और लिखना है न्यू सीवी बिल्डर 2K19 लिखना है, 2019 नहीं लिखना है, 2K19 लिखना है। ये बहुत सारे सीवी मेकर के ऐप हैं, मैंने द बेस्ट को लिया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका रेटिंग जो है वो 4.9 है। तो ये है वो बेसिकली, तो लिखना वो है आपको, ऊपर जाके प्ले स्टोर में लिखना है न्यू सीवी बिल्डर 2K19 और आपको 4.9 रेटिंग का जो दिखेगा सीवी मेकर रिज्यूमे बिल्डर पीडीएफ यूनिक, वही वो ऐप है जिसके थ्रू आप कर सकोगे। तो यहाँ मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, मैं बस ऊपर का रेफरेंस आपको दिखा दूंगा। ये देखिए सीवी मेकर, प्रोफेशनल सीवी मेकर गो मारना है, इंग्लिश में बनाना है तो इंग्लिश में दीजिए, नेक्स्ट एग्री कर दीजिए और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, एक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप बेसिक इन्फो दे दीजिए अपना, यहाँ पे पर्सनल इन्फो, फोटो भी आप दे सकोगे अपना आराम से और एजुकेशन, आपको एजुकेशन देना है। ये देखिए ऐड मोर को ऑप्शन है, आपको ऐड मोर भी आप कर सकोगे एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स अगर आपने प्रोजेक्ट्स किया है तो प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट आपका नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अगर हो, नीचे ऐड मोर है, ऐड मोर आप करके कर सकोगे वो सारे। जैसे कि ऑनलाइन सीवी बनाते वक्त दूसरा जो स्टेप था उसमें जैसे बताया था कुछ इस तरीके का ही है। स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स है 5 स्किल यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हो, तो आप ऐड मोर करके कर सकते हो और लास्ट में जो है उसे सेव कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो इस ऑप्शन से, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन से। तो ये है वो तीसरा उपाय। दोस्तों होप आपको इस वीडियो से मदद मिले और जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं किसी भी स्टेप के थ्रू आप एक अच्छा सीवी बना पाए और आप वेरियस जॉब वेबसाइट्स और जॉब पोर्टल्स में उसे सबमिट करें और इंटरव्यू दे और होपफुली अच्छा इंटरव्यू जाए और आपका जो करियर है, जो आप जॉब लेना चाहते हो वो आपको मिल जाए, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और साथ ही में मैं कह देना चाहता हूँ कि इस मंथ के लास्ट में मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ट्रैवल वीडियो आने ही वाला है उसका मतलब, तो रेडी रहिएगा उसके लिए। उससे पहले एक दो वीडियोस मैं दूंगा, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही रहेंगे, फ्रॉड डेटा एंट्री पे भी रहेंगे। तो जिनका भी जो क्वेश्चन है आप ज़रूर कीजिए मुझे YouTube कमेंट के थ्रू या फिर मेरे Facebook पेज के थ्रू। मेरे Facebook पेज का नाम है किशोर के YouTube वीडियोस, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ ज़रूर आप मेरे Facebook पेज के थ्रू आके भी मैसेज करके कर सकते हो या फिर कमेंट के थ्रू भी, YouTube कमेंट के थ्रू भी बता सकते हो। तो आज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किशोर की तरफ से टाटा।